आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में दिया गया है अ गन कैन शूट अ बुलेट अप टू मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आर। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का वैल्यू है आर, जहां तक एक गन बुलेट को शूट कर सकता है। इफ़ द टारगेट इज एट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ रूट सी आर बाई टू। ठीक है, जो टारगेट है वो उसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो है रूट सी आर बाई टू। मतलब जो टारगेट के लिए जो हॉरिजॉन्टल हम लोग का रेंज होना है, ठीक है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट वो होगा, होना चाहिए हम लोग का रूट सी आर बाई टू प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। एट वट एलिवेशन एंगल, मतलब एट वट एंगल अबव द हॉरिजन विद द हॉरिजॉन्टल द गन शुड बी हेल्ड टू हिट द टारगेट। ठीक है, तो देखो जो गन का जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है वो हम लोग को दिया गया है। तो एक मान लेते प्रोजेक्टाइल को, एक प्रोजेक्टाइल के लिए हम प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग कैसे होता है, हम लोग अगर पार्टिकल को, इस केस में हम लोग का बुलेट है, उसको अगर एक इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड यू के साथ एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल ऐसे प्रोजेक्ट कर दे, तो वो ऐसे एक पैराबोलिक पाथ एज्यूम करेगा और जाके ऐसे जाके वापस से ग्राउंड पे आके हिट करेगा। तो जिस पॉइंट पे वो ग्राउंड पे हिट करते हैं उस पॉइंट से, पॉइंट ऑफ उसका प्रोजेक्शन से उस पॉइंट तक, जिस पॉइंट पे जाके वो ग्राउंड को हिट करते हैं, जो हम लोग का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है उसी को हम लोग कहते हैं रेंज। ठीक है, नाउ ये जो रेंज है उसका फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, जहाँ पे तुम्हारा ये जो थीटा है दैट इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ठीक है, ना यहाँ पे हम लोग को मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कह रहे हैं, जो गन जिस मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज तक गन बुलेट को शूट कर सकते हैं वो है आर। और एक कोई भी हम लोग का रेंज हम लोग का मैक्सिमम कब होगा, यू तो हम लोग का अगर मतलब फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन अगर हम लोग को आर मैक्स मिलना है तो हम लोग का क्या होना पड़ेगा, साइन टू थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग को अटेन करना पड़ेगा, मतलब वन होना पड़ेगा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होने पे वो हम लोग अटेन कर सकते हैं। तो आर मैक्स जो है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू साइन टू थीटा का वैल्यू अगर वन है तो हम लोग को मिलेगा यू स्क्वायर बाई जी, और इस केस में आर मैक्स इज इक्वल टू गिवन है आर। ठीक है, अब कह रहे हैं जो टारगेट है उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है रूट सी आर बाई टू। तो टारगेट अगर यहाँ पे है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम लोग का कितना होना पड़ेगा, रूट सी आर बाई टू, ताकि हम लोग का क्या हो, जो बुलेट है वो टारगेट को हिट कर दे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को एंगल ऑफ इनिवेशन पूछ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे आर के जगह हम लोग पुट करेंगे, मतलब जो ये रेंज का जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग पुट करेंगे रूट थ्री आर बाई टू इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी साइन टू थीटा, और यहाँ इस केस में हम लोग को थीटा निकालना है। ना ये यू स्क्वायर बाई जी जो है फॉर अ गिवन वेलोसिटी के लिए हम लोग को आर मैक्स हम लोग को कितना गिवन है आर, तो यहाँ पे यू स्क्वायर बाई जी इज इक्वल टू आर हम लोग को मालूम है, हम लोग ने अभी अभी देखा है, आर इंटू हम लोग लिख सकते हैं आर इंटू साइन टू थीटा, हम लोग को क्या मिल जाएगा आर इंटू साइन टू थीटा विल बी इक्वल टू रूट थ्री बाई टू आर। तो आर आर हम लोग का हो जाएगा कैंसिल, तो इससे हम लोग को साइन टू थीटा इज इक्वल टू मिलता है रूट थ्री बाई टू, मतलब साइन टू थीटा इज इक्वल टू हम लोग को मिलेगा साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या मिलता है, जो टू थीटा है डेट इज इक्वल टू हम लोग को मिलता है 60 डिग्री, और इससे हम लोग को मिलता है कि थीटा जो है डेट इज 60 डिग्री बाई टू डेट इज 30 डिग्री। ठीक है, ये हम लोग को थीटा जो है वो हम लोग को कितना मिल गया 30 डिग्री, और देखते कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।